रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर तीन जगहों पर लगाया गया डेंजर जोन का बोर्ड। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक के बाद एक हो रहे सड़क हादसे के मद्देनजर सड़क हादसों के लिए कुख्यात स्थलों पर जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा सूचनात्मक बोर्ड लगाया गया है। रंगरा के मुरली मद्रौनी और रंगरा चौक पर यह डेंजर जोन का बोर्ड लगाया गया है। इस अवसर पर नवगछिया के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार सहित संस्था के सदस्य और पदाधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सधुआ गांव में 3 आरोपियों के घर की पुलिस ने की कुर्की जब्ती। रंगरा पुलिस ने वर्ष 2019 में सधुआ गांव में हुए एक हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की है। तीनों फरार आरोपियों में सधुआ निवासी तूफना यादव, भक्ता मंडल और चपरा यादव शामिल है। कुर्की अभियान का नेतृत्व थानाध्यक्ष महताब खान कर रहे थे। थानाध्यक्ष ने कहा कि हर हालत तीनों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस स्तर से जानकारी दी गई है कि तीनों आरोपी गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं। सधुआ गांव में हुए निराला हत्याकांड में फरारियों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। पिछले वर्ष दिसंबर माह में सधुआ गांव में हुए निराला हत्याकांड में फरार चल रहे 4 आरोपियों के घर पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपका दिया है। पुलिस ने गांव के ही महाराणा यादव, सरोज यादव, अनिल यादव और जय जय राम यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट से दिए गए निर्धारित समय के अंदर आरोपियों ने पुलिस के समक्ष समर्पण नहीं किया तो पुलिस सख्ती से आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती करेगी। रंगरा के कटरिया ओवरब्रिज के पास सड़क हादसे में बारात जा रहे मामा भांजे की मौत। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कटरिया ओवरब्रिज के पास हुए सड़क हादसे में बारात जा रहे बाइक सवार मामा भांजे की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि दोनों रविवार को देर रात भागलपुर सबौर के बजलपुर गांव से कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के बरेटा गांव बारात जा रहे थे। दोनों मृतकों का नाम मुकेश कुमार है। दोनों की उम्र लगभग 34 से 35 वर्ष है। एक सबौर बजलपुर का निवासी है तो दूसरा भागलपुर के एकचारी थाना क्षेत्र के बड़ी मोहनपुर गांव का निवासी है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसा किस तरह हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन दोनों मृतकों के शवों की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आ जाने से दोनों की मौत हो गई है। सोमवार को दोपहर बाद तक मृतकों का पोस्टमार्टम करवा कर रंगरा पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि बदलपुर निवासी मुकेश कुमार के छोटे भाई सिंटू कुमार की शादी रविवार की रात फलका थाना क्षेत्र के बरेटा गांव में होनी थी। मुकेश अपने मुकेश नाम के ही मामा के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से बारात में शामिल होने जा रहा था। दोनों मृतकों के परिजनों ने बताया कि उन लोगों को लड़की वाले के यहाँ पहुँचने में काफी विलंब हो गया था। वे लोग पहुँचे ही थे कि घटना की सूचना उन लोगों को मिली और वे लोग शादी को स्थगित कर घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस अज्ञात ट्रक का पता लगाने का प्रयास भी कर रही है। इधर घटना के बाद मृतकों के परिजन गहरे सदमे में हैं। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।